अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मजोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हम जब अपने मकान की छत पर जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस प्रकार चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों पर मकान की छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 8 सीढ़ियां बताई हैं, जिनको अष्टांग योग कहते हैं। अष्ट का मतलब होता 8, अंग का मतलब होता भाग। 8 सीढ़ियां हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के बारे में, नियम के बारे में, आसन के बारे में और प्राणायाम के बारे में आपको बता चुका हूं, 4 सीढ़ियों तक आपको ले चला हूं। इसके बाद है प्रत्याहार, 5वीं सीढ़ी। आप गुड़ का टुकड़ा तोड़ करके कहीं रख दीजिए, मैंने क्या कहा अभी, बहुत ध्यान से सुनो, गुड़ लेकर कहीं रख दीजिए, मक्खियां अपने आप आ जाएगी, ये बुलाना पड़ता है। जैसे गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ है और मक्खियां अपने आप आकर के बैठ जाते, ऐसे ही इंद्रियां विषयों की ओर अपने आप जाती है। हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपने अपने विषयों के अपने आप जाती हैं, विषय नहीं आते हैं, इंद्रियां जाती हैं विषयों के। इनको अंतर्मुखी करने का नाम है प्रत्याहार, अबाउटर, डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम विषयों से, इंद्रियों को दूर कर देते हैं। ये अभ्यास होता है। कैसे पता लगेगा? जिस इंद्रिय के द्वारा जो भोग भोगा जाता है उसकी प्रतीति हमें होती है। रूप सामने आया तो रूप की प्रतीति हमें हुई, गंध सामने आया तो गंध की प्रतीति हमें हुई, स्पर्श की प्रतीति हमें हुई, छू करके देखा, शब्द की प्रतीति हुई, कान ने बता दिया कोई बोल रहा है या कोई आवाज आ रही है। ये जितने हमारे विषय हैं इनसे जो संबंध है, इंद्रियां उन विषयों को खींचती है, पकड़ती है। आंख चाहती है मैं देखूं, कान चाहता मैं सुनूं, त्वचा चाहती स्पर्श, मैं अच्छा गुदगुदी बिस्तर पर बैठूं, या जिसको मैं पसंद करता हूं उसको छूं, मैं सुगंध चाहता हूं, अच्छी गंध चाहता हूं, अच्छा रस चाहता हूं, तो विषयों की ओर दौड़ती है हमारी इंद्रियां। इनको रोकने के लिए उसके परिणाम पर विचार करना होता है, विषय का जो परिणाम उस पर विचार करना होता है। मैं आपको बता चुका हूं विषय बुरा नहीं है, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है। रूप किसने बनाया, रस किसने बनाया, गंध किसने बनाया, स्पर्श किसने बनाया, शब्द किसने बनाया, साधन है इनके, साधन परमात्मा ने दिए, विषय परमात्मा ने बनाए। किंतु परमात्मा ने साथ साथ ये कह दिया है कि मर्यादित रह करके विषयों का सेवन करना। अच्छा बताओ, भोजन करना ठीक है गलत है? ठीक है, ज्यादा खाना गलत है? आप समझ गए, घी खाना बुरा नहीं है किंतु ज्यादा नहीं खाना, दूध पीना बुरा नहीं है किंतु ज्यादा मत पीना। जैसे विषय बुरे नहीं किंतु अति मत करना कभी भी। हम क्या करते हैं, उनके उन पर आसक्ति हो जाती है हमारी, लगाव हो जाता है, हम पागल हो जाते हैं, बस ये हमारी भूल होती है। तो जब अपने मन चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो धीरे धीरे मन में विचार आता है मन के अंदर कि हम तो बड़ी गलती कर रहे हैं, इसे परिणाम क्या निकला। अच्छा हम जब से होश में आए कितने स्वाद लिए हम लोगों ने,
छह प्रकार के स्वाद होते हैं आयुर्वेद में। कितना तो घी खा गए, कितना तेल खा गए, कितना मिठाई खा गए, कितने नमकीन खा गए, पता नहीं क्या क्या खा गए। बताओ क्या उसकी प्रतीति होती है आपको? आप सबकी जानी दीजिए, अभी आप में से कोई दूध चाय पी करें उसकी प्रतीति भी नहीं हो रही हो तो पेटने के बाद तो खत्म, उसकी प्रतीति हो रही है क्या आपको? वो केवल उसी समय तक रहता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि इसके लिए पागल क्यों बनूं मैं, जिसकी प्रति सदा होती रहती है प्रतीति, उसके साथ क्यों नहीं रहूं मैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्राणायाम के द्वारा मन एकाग्र हो गया, मन को अपने अधिकार में कर लिया। अब मन को हमें समझाना है कि विषयों की ओर वो आकर्षित न हो, मन हमारे अधिकार में हो, विषय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन अगर नियंत्रण से बाहर हो गया तो ठोकर लगेगी, गिरेंगे। मैं बता चुका हूं आपको, ये मानव तन जो है इसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं, 10 हॉर्स पावर का है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन घोड़ों के लगाम है मन, ड्राइवर है बुद्धि और हम है यात्री जीव। घोड़ों को कंट्रोल में करने के लिए लगाम मजबूत चाहिए। अगर मन हमारे कंट्रोल में है तो इंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, फिर हमको विवश नहीं करेगी। हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, किंतु एक हाथ का लोहे का टुकड़ा हो तो अंकुश कहते हैं, उसे वश में कर लिया जाता है। शेर कितना क्रूर होता है, किंतु हंटर से वश में कर लिया जाता है। आप देखते हैं सर्कस के अंदर, ये मन क्या है, ये हंटर है, ये अंकुश है। इसको चलाना कोई सीख जाए, इसका उपयोग करना कोई सीख जाए, तो इंद्रियां फिर कभी भी हमको विवश नहीं कर पाएगी। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखो, यदि अपने आप को आप संयमित रखना चाहते हो तो सबसे पहले मन की ओर ध्यान दो। आप मन एक समय में एक काम कर सकता, दो काम नहीं करता, इसकी कमजोरी का लाभ उठाओ। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे प्रभु की भक्ति कर चाहे विषय कम। विषयों में लगेगा तो भगवान से हट जाएगा, भगवान में लगेगा तो विषयों से हट जाएगा। इसलिए इस मन को परमात्मा में लगाए रखो, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, परमात्मा के अंदर मन को लगाए रखो, अभ्यास बन जाएगा, फिर यह मन इधर उधर नहीं जाएगा। हमारा अभ्यास नहीं है, अगर आदत हमारी पड़ जाए तो परमात्मा लगे विषय में नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, नहीं तो लगेगा। हर इंद्रिय अपना भोग चाहती है, विषयों की ओर जाएगी इंद्रिय। तो थोड़ा सा चिंतन बदलो, तो अंतर्मुखी चित्त की वृत्तियों को करो, अंदर उतरो, बाहर से डिस्कनेक्ट हो गए, अब कोई संबंध हमारा नहीं रहा है तो विषय क्या कर लेंगे हमारा। अंदर उतर गए हम, इसको कहते हैं प्रत्याहार। हमारे मन को टिकाना है कहीं, नहीं तो चंचल मानेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, घर के अंदर कोई संभालने वाला नहीं होता है, गृहिणी अकेली, बच्चा होता तोहफा नहीं, तो उसको बांध देती है कि नहीं बांध देती है कभी, ताकि भागे नहीं। वो रोटी संभाले कि ढूंढती फिर उसको, तो बांध देती है बच्चे को। इस मन को बांध दो, इसका नाम है धारणा। शरीर के किसी भाग में इसको टिकाने की कोशिश करो। देखो मैं अपने 67 वर्ष का अनुभव बता रहा हूं आपको, मैंने साधन आरंभ की 20 वर्ष तक तो मुझे पता भी नहीं लगा, मैं तो आपको बता रहा हूं, आपको तो एक दिन मालूम पड़ रहा है, मुझे तो कोई बताने वाला ही नहीं था, बात पता लगा मुझे। आपको सरल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कहां लगाता हूं अपने मन को, जाए मेरी सुहागिनी बेटियां बहनें बिंदी लगाती हैं, जिसको भ्रकुटी कहते हैं, या टिका दिया मन को हमने, इसको धारणा कहते हैं। प्रत्यार के बाद क्या है, 7, 6 धारणा, 6 पंक्तियां, 6 जो सीढ़ी है
वो है धारणा। वैसे नासिका के अग्रभाग में, कंठकूप में, हृदय प्रदेश में, नाभि प्रदेश में या ब्रह्मरंध्र में, जहां भी आपकी अनुकूलता हो सके आप मन को लगा लीजिए, वो मन अपने आप लग जाएगा। एक जगह टिका दीजिए उसे, अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा, फिर मन हटेगा नहीं वहां से। अब जैसे मैं साधना करता हूं तो जब मन को मैंने लगा दिया यहां पर भ्रकुटी के अंदर, अब मन इधर उधर कभी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, संसार के आने विचार बंद हो जाएंगे। इसको कहते हैं ध्यान। धारणा के बाद ध्यान होता है, धारणा के पहले ध्यान नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता रागो पहतिर ध्यानम, विषयों के प्रति राग समाप्त हो जाए उसको ध्यान कहते हैं। ध्यानम निर्विषय मन है, मन को निर्विषय बना दिया जाता, खाली कर दिया जाता है, उसको ध्यान कहते हैं। ये भोली दुनिया समझती नहीं है, चित्र सामने रख लिया कि ध्यान ध्यान करे, दर्शन कर रहे हो, देखने को दर्शन कहते हैं, याद रखना, ध्यान नहीं कहते। हम सामने फोटो रख लिए, मूर्ति रख ली, ध्यान करें, ध्यान कहां कर रहे हो? फिर आंखें बंद क्यों करी तुमने? सामने अब चीज कोई रखे तो आंखें खोलो ना भाई, तो खोलने को दर्शन कहते हैं। ध्यान तो होता है जो देखा उसको भूल जाए, जो सुना उसको भूल जाए, चखा उसको भूल जाए, गंध ली उसको भूल जाए, स्पर्श किया उसको भूल जाए, उसका नाम ध्यान है। ये मन के अंदर कभी आते नहीं विषय, ध्यान में निर्विषय बन जाता है मन, बहुत अच्छी अवस्था होती है उस समय। तो ये हो गया सातवां स्टेज, सातवीं सीढ़ी हो गई है। मन को निर्विषय बना दिया हमने, कैसे बना दिया? प्रत्यार से लेकर के धारणा तक। किंतु इसके लिए ध्यान रखना, यम का पालन अनिवार्य, नियम का पालन अनिवार्य, ऐसे नहीं होगा। ये जब तक हम बैर भावना किसी के प्रति रखेंगे, असत्य का व्यवहार करेंगे, चोरी करेंगे किसी प्रकार की, इंद्रियों ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, संयम से नहीं रहेंगे और परिग्रही बन जाएंगे, हाय हाय लगी रहेगी, तो तुम कितना भी करो चाहे कुछ नहीं होने वाला है। यहां से शुरू होता है योग। बाहर भीतर से पवित्र करके रहेंगे, दोष नहीं होगा हमारे मन के अंदर, तो मन ठीक बनेगा। देखो एक बात का ध्यान रखो, सूत्र देता हूं आपको मैं, नियमित बनो। क्या सूत्र है पहला? नियमित। नियमित का मतलब होता है समय पर सो जाओ, समय पर उठो, समय पर शौच स्नान, समय पर भोजन, सारा काम समय पर करो, नियमित बनो आप। ये पहली शर्त। दूसरा, निर्मल बनो। जहां कहीं भी आप गंदगी देखो उसको दूर करने का प्रयास करो, बाहर की हो चाहे भीतर की। ऐसे ही परमात्मा के आनंद की अनुभूति नहीं हो जाती है, अपने स्वरूप का ज्ञान ऐसे नहीं हो जाता है। पहला क्या है? नियमितता। दूसरा क्या है? निर्मल बनो। पहले बताया था नियमित बनो, अब बनो निर्मल, अब बनो निर्व्यसनी बनो। किसी प्रकार का व्यसन आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, जीवन में नहीं होना चाहिए, तभी तो आपको पता लगेगा। हम तो व्यसन में उलझे हुए हैं। व्यसनों का परित्याग करो, ये व्यसन बहुत परेशान करते हैं हमको, एक बार लग जाने के बाद छूटते नहीं है ये, इनसे बचने की कोशिश करो। तो हम निर्व्यसनी बने, नियमित बने, निर्व्यसनी बने। हम निरोगी बने। रोग दो प्रकार का होता है, एक तन का एक मन का, दोनों हानि पहुंचाते हैं, अष्टांग योग में बाधक बनते हैं। तन का रोग भी हानि पहुंचाता, मन का रोग भी हानि पहुंचाता। तन से हम स्वस्थ रहें, मन से प्रसन्न रहें, मन का रोग ज्यादा हानि पहुंचाता साधना में। इसके लिए हमारे ऋषि मुनि ने उपाय बता दिए हैं तन को स्वस्थ रखने के लिए। अपनी प्रकृति को पहचानो सबसे पहले, आपकी प्रकृति क्या है। प्रकृति कहते तासीर को, उर्दू में कहते हैं तासीर। आपके शरीर की तासीर क्या है? तीन प्रकार की होती है, वात पित्त कफ। अब आप चयन कर लीजिए पदार्थों का। पित्तकारक पदार्थ पित्त प्रकृति वाले को नहीं लेना चाहिए, वात प्रकृति वाले को वातकारक पदार्थ नहीं लेना चाहिए, कफ प्रकृति वाले को ठंडे पदार्थ। सीधी सी बात, क्या परेशानी बताई इसके अंदर?
जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता है कि ब्रेक कहां पर होता है, क्लिच कहां पर होता है, कहां पर क्या होता है, कैसे उसको करते हैं, वो उसको तेज कैसे करते हैं, धीरे कैसे करते हैं, सब पता होता है। तो शरीर के बारे में तो जानकारी करो ना, इस गाड़ी को कैसे चलाएं, इसको चलाने का तरीका ऋषियों ने बता दिया, उन पर ध्यान नहीं देते हम लोग। ध्यान देना चाहिए तो हमारा भी सदा ठीक रहेगा, इसको चलाना सीख जाओ। बहुत लोगों को कई प्रकार के वाहन चलाना आता है किंतु अपने घर ये गाड़ी नहीं चलाना आता। भगवान के बनाए जो वाहन है भगवान का बना, ये चलाना नहीं आता। बाकी वो तो मोपेड चला लेंगे, साइकिल चलाएं, मोपेड चला लेंगे, स्कूटर चला लेंगे, बाइक चला लेंगे, कार चला लेंगे, हेलीकॉप्टर चला लेंगे, वायुयान चला लेंगे, सब चला लेंगे, किंतु शरीर चलाना नहीं आता। तो कैसे हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे, जरा विचार कीजिए। गाड़ी जब चलाना नहीं आता कैसे पहुंचेंगे मंजिल पर हम? हमारी मंजिल क्या है? मोक्ष। गाड़ी क्या है? शरीर, मन। इनको चलाना आता ही नहीं तो कैसे पहुंचोगे? रास्ते में एक्सीडेंट होंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, इसको चलाना सीखो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने कहा तुम निरोग बनो, मन से भी तन से भी। ये बड़े भयंकर रोग होते हैं, एक बार लग जाने के बाद छूटते नहीं है, ये बहुत कठिन होते हैं। देखो तन के कई प्रकार के रोग होते हैं, आज लोग पीड़ित हैं रोगों से, बहुत लोगों के शरीर के अंदर रोग भरे पड़े। मन के रोग होते हैं ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रतिशोध, क्रोध, वैर, विषय लोलुपता, ये मन के रोग होते हैं सारे। इन रोगों से छुट्टी निवृत्त होने की कोशिश करो, इनको त्याग दो। मैं किसके देह बैर करूंगा, किसी ईर्ष्या द्वेष करूंगा, मेरे करने से क्या हो जाएगा? किसी के प्रति ईर्ष्या भाव मेरा है तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? मेरा बिगड़ेगा, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं क्यों करूं ईर्ष्या किसी से? लाभ किसे है? मेरी हानि हो रही है। मेरी ईर्ष्या करने मात्र से तो आगे वाले को कुछ हानि होने वाली नहीं है। क्यों करूं ईर्ष्या? क्यों करूं द्वेष? क्यों प्रतिशोध की भावना रखूं? योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिष्मस्तम भोजम वे दद, मैं भगवान के हाथों में, वो न्यायकारी न्याय करेगा। आप कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? इस प्रकार का अगर भाव हमारा बन जाएगा तो निश्चित बात है मन हमारा ठीक हो जाएगा, मन का विकार दूर हो जाएगा। मन को अध्यात्म में लगाना है। कब? जब अध्यात्म का समय हो। मन को संसार में लगाना कब? जब संसार में। देखो संसार के कार्यों में लगने के बाद भगवान याद नहीं आता है, किंतु भगवान के लगने के बाद ये संसार याद आता है। होता कि नहीं होता बताओ? संसार के कार्यों में हम लग गए तो भगवान याद नहीं आएगा, और भगवान का नाम लेने बैठे तो ये संसार याद आएगा। उल्टा हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसका सीधा अर्थ यह है कि अभी तक हमारा मन संसार में लगा हुआ है, भगवान में बिल्कुल लगा ही नहीं है। इसलिए कहते हैं निरंतरता, थोड़ा बढ़ाते रहो इसको, अभ्यास को। जितना अभ्यास बढ़ता है उतना ही मन आपका हल्का बनता चला जाएगा। मैं आपको दो घंटे के लिए नहीं कहता, पांच मिनट से शुरू करो। ओम का जप, गायत्री मंत्र से चिंतन, पांच मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाओ, हो जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपने मन को समझाने की आवश्यकता है, समय निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप छह घंटे सो करके थकान दूर करते, पांच घंटे में थकान दूर होने लग जाएगी आपकी, फिर एक घंटा बच जाएगा आपके पास। नहीं तो आप आठ घंटे पड़े रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अभ्यास तो बनाना पड़ेगा ना, इसमें साय क्या बनेगा? नियमितता। नियमितता सहायक बनती है। नियमितता जीवन के अंदर होनी चाहिए। कोई भी काम समय पर करो भाई, समय पर है किस लिए? हमारा ठिकाना नहीं। कभी भोजन करेंगे 12 बजे, कभी 2 बजे करेंगे, प्रातःकाल उठते कभी खाने लग जाएंगे। एक तो इस बात का सभी ध्यान रखो, भूख से थोड़ा कम करो भोजन, जितनी भूख से थोड़ा कम करो। पेट को आप गरीब बना करके रखिए, तिजोरी को अमीर बनाइए। घर में आपके कबाट है, तिजोरी है, खूब भरी है उसको, किंतु पेट को गरीब बना करके रखिए। पेट को अमीर बना दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, इसको मत भरो ज्यादा, हल्का रखो इसको। क्या करते इतना खाते खाते हो गया इतना समय, कुछ निकला क्या बताओ? परिणाम क्या आया सामने? घर पर भी जब कभी स्वादिष्ट भोजन बन जाता तो सब चट कर जाते हैं हम लोग, पीछे वाली ग्रहणी के लिए बचता कि नहीं बात सोचते भी नहीं, हम लोग खूब खा जाते हैं, ये गलत है ये। और विवाह शादियों में जाते हैं तब तो क्या कहना है, फिर तो
ऐसा लगता है कि आज खाने को मिला खूब खा जाओ। ये जो अपने विमल के मैनेजर थे सुशील कुमार कोठारी, उन्होंने रामायण की कथा रखी थी अपने बंगले पर। मैं जब जांगीराम धर्मशाला में रहता था तो वहां जो मुझे ड्राइवर लेने के लिए आता था, कार से छोड़ता था, वो मेरे पास बैठा, तो उन्हें अंतिम दिन ये जो कुबाड़ी लाल क्या है उसकी आइसक्रीम मंगवाई थी उन्होंने, तो एक एक आइसक्रीम सबको दी। मैंने कहा मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तो ड्राइवर मेरी तरफ मुंह करके कहता आइसक्रीम नहीं खाते? मैंने कहा नहीं। तो उसको लगा कोई बेवकूफ मालूम पड़ता है। मैं मेरे पास बैठा हुआ था, कथा करके आके बैठ गया, आइसक्रीम दे रहे हैं सब लोगों को कुर्सी पर, तो कह पंडित जी एक काम करो ले लो उसको मुझे दे दो। उसने कहा कि आप ले लो मुझे दे दो। तो आइसक्रीम वाले क्या करते हैं वहां पर, जैसे मान लो आप कैसे नहीं आपने खाली और लेंगे, तो आप और ले तो और दे देंगे। तो मेरे पास आए कहते हैं मुझे क्या के? ले लो, पांच आइसक्रीम खा गया। ये क्या तमाशा सारे का सर, मैं तो बिल्कुल नहीं खाया है? मैंने साथ दिया, हाँ तो मैं देखता था कितनी खाता है। हम तो परीक्षा करते ना कितनी खाता है देखेंगे। पांच खा गया हुआ इसके, मैं बहुत सीरी करने लगा। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, भोगों के कीड़े बने हुए हैं। अब कहाँ अध्यात्म है? ये तालियां बजाने से भगवान मिलता है क्या? कभी राधे गोविंद गाओ ये मिलता है क्या? ऐसे नहीं मिला करता है, वो तरीका ही कोई और है। अब उसको लोग जानते नहीं, और कुछ जानते हैं तो अपनाते नहीं, तो शरीर में रोग भरे पड़े रहते हैं। कौन सन्यासी योगी है? तुम कौन से योगी सन्यासी हो? दवाई के बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता, जर्जर सारा शरीर कर लिया तुमने। अरे भाई कंट्रोल तो करो अपने ऊपर थोड़ा। हमेशा याद रखो ध्यान की अवस्था जब व्यक्ति की आती है, प्रत्याहार के बाद क्या बताया मैंने आपको, धारणा, धारणा के बाद ध्यान है, मन को टिका दिया शरीर के किसी भाग पर। जब तक आप साधना में बैठे मन को वहीं टिका रहने दीजिए, वो टिक जाएगा। नटखट होता है मन, बार बार हटने की कोशिश करेगा, किंतु आप उसको अभ्यास होगे तो टिक जाएगा। उसके बाद में अब आपको निर्विषय बना दीजिए मन को, विषय से बिल्कुल खाली कर दीजिए मन को, अब विषयों की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अब अंतिम भाग है समाधि, आठवीं सीढ़ी। ये दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। मन निर्विषय हो गया, आपका मन परमात्मा गुणों के चिंतन में लग गया, किंतु संस्कार अभिशेष हैं, वो जले नहीं अभी तक, दग्ध बीज नहीं हुए हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि में जाते हो तो संस्कार जल जाएंगे, उसके बाद तो समाप्ति हो जाए सारी बातें, अब परमात्मा के अंत की अनुभूति, अपने स्वरूप का भान हो जाएगा, मैं क्या हूं ये पता लग जाएगा। उपनिषदों में लिखा हुआ है हथेली पर आंवला रखते हैं, आंवला जानते हो ना, बाजार बिकने के लिए आता है, रसायन होता है। आंवला अलग होता है, मेरी हथेली अलग है, ऐसे जीवात्मा शरीर अलग अलग दिखने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है कि मैं अलग हूं शरीर अलग है। ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। अब उसके बाद आगे क्या, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, परमात्मा के स्वरूप में हमें निमग्न होना है, इसी जन्म में करना है, अभ्यास तो करना पड़ेगा। और इसके अंदर घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर घबरा जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठोकर लगी बताओ पड़े रहते हो उठ जाते हो वापिस, ठोकर लगी गिर गए आप तो पड़े रहते हो उठते हो वापिस, उठते हो ना, तो ठोकर लग जाए चिंता मत करो, ठोकरें तो लगेगी, फिर उठो, फिर चलो, फिर पढ़ो, फिर उठो, हिम्मत क्यों हारते हो? औरों से तुम लाख दर्जे अच्छे हैं ना, जो बिल्कुल कीचड़ पड़े हुए हैं, जो दारू के बिना रह नहीं सकते, मांस शराब के बिना इनके नहीं रह सकते, उनसे तुम लाख दर्जे अच्छे हैं, वो तो ज्यादा कीचड़ पड़े हुए हैं व्यक्ति। थोड़ा सा अगर हमारे साथ लगा हुआ तो इसको क्या है, थोड़ा सा मन को समझाने का प्रयास करो, थोड़ा अभ्यास अपने बदलने का प्रयास करो, तो निश्चित बात है आपको सफलता मिल जाएगी। एक एक सीढ़ी चलना पड़ता है। अब ये लोग क्या करते हैं, मैं कभी कभी टीवी पर देखता हूं, मुझे हंसी आती है, ध्यान लगाओ, अरे तो भाई यम नियम का पालन तो करना सिखाओ पहले, आसन की सिद्धि सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ, उनको धारणा सिखाओ, प्रत्याहार सिखाओ, धारणा, अब ध्यान होगा सातवां नंबर है ध्यान का, तो कहते आंख बंद कर लो। अब फिर क्या करो, देखो हम कैलाश पर्वत पर चले गए हैं और बैठे हैं घर पर और कैलाश पर चले गए। आप टीवी देखते हो नहीं देखते हो, बताते नहीं रहते हैं, अब हम चंद्रमा पे चले गए हैं। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, वो बेवकूफ बैठ जाते हैं सामने, उससे समूह चंद्रमा चले गए हम लोग, कहीं चंद्रमा ऐसे होता है ध्यान कभी।
जिसको जिस बात का ज्ञान नहीं होता उसके बारे में कुछ भी कह दो मानना पड़ता है। हमारे सामने बोल करके देखे कोई, जिस कार्य को व्यक्ति जानता है उस कार्य में कभी ठगाता नहीं है, नहीं जानता उसमें उसको मार खानी पड़ती है। तो वास्तव में ध्यान कहते हैं किसको, जिन्हें ध्यान लगाना आता ही नहीं तो कह उनको तो कुछ भी कह दो। फिर कहते हैं देखो ज्योति देखने लग गई है, वो क्या करते हैं आंख के पास नस होती है थोड़ी सी, यहां से अभी आप चाहो तो आपको भी ध्यान करा दूंगी, मुझे आता वो तरीका, अभी आपको ज्योति आ जाएगी आपके अंदर है, आपको चमक आ जाए अंदर है, नस होती है उसको दबाने से चमक आती है बीच के अंदर, वो ध्यान थोड़ी होता है। ये बेवकूफ क्या करते हैं, चालाक लोग क्या करते हैं, आदमी को बिठा करके उसे नस दबा देते हैं, कहते हैं आगे हो गई ज्योति, हाँ देखो ये ज्योति आ गई आपको, अरे गुरु महाराज तुम, अरे गुरु महाराज कुछ नहीं बेवकूफ बनाया तुमको, ये कुछ नहीं है सर। तो समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने अति संक्षेप में आपको बता दिया है। मैं जानता आप में से एक भी समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, किंतु बता तो दिया मैंने, सीखना चाहो तो सिखाने को तैयार हूं, किंतु उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक साल का पहले मैं बताऊं नियमों का पालन करो, एक साल बाद आओ मेरे पास फिर बता दूंगा आपको, पहले जो नियम है उनका प्रारंभ का उनका पालन करना पड़ेगा, उसके बाद होगा सर। तो अष्टांग योग जो ऋषि ने बताया है वो आत्म कल्याण में सहायक बना करता है। लोक भी सुधरता परलोक भी सुधरता, जब तक आपका जीवन है तब तक सुख शांति से आप दुनिया में रह लोगे, अंत तो गत्वा शरीर छोड़ करके आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगे अथवा उत्तम कुलों में जाओगे, जहां से आपने छोड़ी पढ़ाई उसकी अगली क्लास में जाओगे, आगे पढ़ करके आप उत्तीर्ण हो जाओगे। यह है अष्टांग योग। एक जमाना था जब 5 वर्ष के बालक को भी सिखाया जाता था, वृद्धावस्था से इसका पालन किया जाता, जीवन का पूरा लाभ उठाते थे लोग, आज लोग भूल गए इस मार्ग, ये मार्ग ही भूल गए, नाम तक याद नहीं है। और जो प्रसंग चल रहा था उसको मैंने आज पूरा किया है, कल इस क्रम को दूसरी प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो सुनते हो चिंतन किया करो, कोशिश तो करो भाई, जितना करो उतना ही अच्छा है। कहीं पर आपको ऐसी चीज मिल गई जो आपको फायदा पहुंचाता है तो जितना आपका सिर उठा सके वजन उतना तो उठाओ, कम से कम सारा तो नहीं उठा सकोगे। अब आप खड़े खड़े देखते रहोगे तो कुछ भी खाली हाथ बैठे रहोगे, उपयोगी चीज मिल रही है आपको, कहते वजन उठाने का भाई जितना उठा 5 किलो उठा सको 3 किलो तो उतना उठा तो सही, उतना तो फायदा तो वो मिल गई चीज तो उतना तो उठाने की कोशिश तो करो। ऐसे आपने कहा रहे मैं से तो नहीं उठ सकती तो फिर कुछ नहीं चल सकेगा काम। इस अध्यात्म के मार्ग पर चलो, निश्चित बात आपको सफलता मिलेगी। आर्य समाज अध्यात्म संस्था है, मेरा अपना विश्वास यह है कि अगर किसी को कल्याण करना है तो वेद के मार्ग पर आना पड़ेगा, बाकी धरती पर कोई रास्ता नहीं है कल्याण का, ये मेरा अपना विश्वास है, ऋषियों का विश्वास है। तो कितना अच्छा ऋषियों ने हमको बोध कराया है, इस मार्ग पर चलने का हम प्रयास करें, परमात्मा से सहायता मांगे, वो शक्ति देगा भगवान, और निश्चित बात हमें सफलता मिल जाएगी, ये विश्वास दिलाते हुए आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम श्याम ओम द्यहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी बहन भाइयों का आदर नमन। बहनों बेटियों आप भी किया करो साधना, समय लगाकर वहां के अंदर बैठ जाओ, ओम का जब किया करो धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा, सबको करना चाहिए साधना।